हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टार एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पर टाइप थ्री का जो वैन डिनोमिनेटर इन क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन इस तरह दिया हुआ है तो उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हमको किस तरह से लिखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, जैसे आपको फंक्शन में ऐसा दिया हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको हमको कैसे लिखना है, इसको ये लिखना है आपको ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस तरह से लिखा जाता है। हमको सिंपली इस तरह के बताया लिखने के लिए, इस तरह से इसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पहले आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x और x डिवाइडेड x प्लस थ्री और x स्क्वायर प्लस टू, ठीक। तो आपको क्या करना है, पहले a आता है तो a डिवाइडेड x प्लस थ्री करना है, a डिवाइडेड x प्लस थ्री, उसके बाद तो a के बाद क्या आएगा b। तो यहाँ पर मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है, ठीक। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, एक बार डी एक्स प्लस सी, बी में क्या करेंगे x रहेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। ये मेरा लिखने का ढंग है, इसको हमको अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन इस तरह दिया हुआ है हमको इस तरह से लिखना है, उसके बाद फिर a और b c का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमको इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये था मेरा वैन डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का लिखने का तरीका, ठीक है। अब इसके बेस पर हम आपको एक क्वेश्चन लेकर बताएंगे। सो यहाँ पर देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह से क्वेश्चन है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर को इसको हमको कैसे लिखा जाता है उस तरीका को लिखना। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर्स दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या लिखना है, a डिवाइडेड यहाँ पर जिस तरह लिखे थे x माइनस वन, फिर प्लस करेंगे, एक बार क्या आता है b, तो बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आएगा, उसमें बी एक्स प्लस सी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको लिख लेना है, ठीक है। उसका देखिए, कभी कभी भी ऐसा भी टर्म्स आएगा, जैसे मान चले क्या कैसे आ गया 1 डिवाइडेड x माइनस वन और x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस तरह से आया हुआ है। तो इसको आपको कैसे लिखना है, इस तरीके इस तौर पर हमको ऐसे लिखा, पहले क्या a डिवाइडेड x माइनस वन आएगा, फिर उसके बाद b डिवाइडेड x माइनस टू, उसके बाद फिर b के बाद क्या आएगा c आएगा, तो c में क्या करना है हमको x लगाना है सी एक्स, फिर इसके बाद में क्या आता है डी सी एक्स प्लस डी डिवाइड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये मेरे लिखने का ढंग है, ठीक है। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन को हम इस तरह से लिख के उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो यहां तक लिख लिए हैं, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू है। अब इसको यहां से हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू, वन है यहाँ पर, गलती हुई हमसे थोड़ा सा, यहाँ वन होगा, एक्स माइनस वन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ए डिवाइड एक्स माइनस वन, फिर बी एक्स प्लस सी डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। तो देखिए, इसका यदि एलसीएम लेंगे मैं, ये आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा ये आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस फिर क्या होगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, इस तरह से होगा। अब देखिए, ये दोनों डिनोमिनेटर दोनों कट रहा है, मेरा इधर वाला बच रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू वन।
अब देखिए यहाँ तक कर लिए हैं हम, यहाँ पर क्या करते हैं, पुट अगर x बराबर 1 करेंगे, x इक्वल टू 1, ये पूरा टर्म्स में 0 होगा क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा 0, ये टर्म्स भी 0 हो जाएगा, बचा यहाँ पर अगर रखेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 2, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर इस जगह हम 0 रख दें, मतलब x का वैल्यू अगर हम 0 रखें, ये इसमें क्लोज में बंद है, पुट करेंगे x इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 0 होगा, तो a इंटू 1, तो a, उसके बाद फिर ये 0 होगा, b बचा क्या c, तो माइनस में आएगा क्योंकि ये भी 0 होगा, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई सी होगा, माइनस सी इक्वल टू क्या होगा 1। अब देखिए हमको a का वैल्यू पता है 1 डिवाइडेड 2, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 डिवाइडेड 2 और ये 1 इधर लाइए माइनस में और सी को उधर डालिए, तो ये देखिए 1 माइनस 2 डिवाइडेड 2 इक्वल टू, क्योंकि 2 एलसीएम लाएंगे 2, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस 2 होगा, 1 माइनस 2 डिवाइडेड 2 होगा, तो सी बराबर क्या होगा, सी इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, उसको यहाँ लिख लीजिए सी इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड 2, इसको आप नोट कर लीजिए। को हम क्लीन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर 1 डिवाइड x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसके बाद यहाँ पर क्या a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 है, यहाँ पर x माइनस 1 है, ठीक है, डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम x इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं सभी जगह, सॉरी माइनस 1 पुट x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, हम इनको पहले क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, यहीं पर हम लिखेंगे इसको, आई होप ये लिख लिए होंगे आप लोग। उसके बाद देखिए यदि यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 2a, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस है x के लिए क्या रखेंगे माइनस 1, तो माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या होगा 2, तो माइनस 2 इक्वल टू फिर 1 इस तरह से। तो अब हमको a और c का वैल्यू पता है, तो a का वैल्यू क्या है 1 बाई 2, टू इंटू 1 बाई 2, उसके बाद फिर प्लस यहाँ माइनस बी है, इसको हम क्या करते हैं माइनस 2 से सब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2b प्लस 2c इस तरह से इक्वल टू 1, और देखिए c का वैल्यू क्या माइनस 1 बाई 2 है, यहाँ पर रख दीजिए, ये तो कट ही जाएगा 1 प्लस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू ये मैं कट रहा है क्या बचा क्या यहाँ पर माइनस 1, तो देखिए ये माइनस 1 फिर ये प्लस 1 कट जाएगा, बचा क्या 2b, 2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 डिवाइडेड 2, इतना बड़ा आया, मेरा a और c और b का वैल्यू पता है। चलिए इसको लिख ली, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं यहाँ से, हम एक साइड में a एक वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, a बराबर 1 बाई 2, बी बराबर 1 बाई 2, सी बराबर माइनस 1 बाई 2, ठीक है, अब इसकी हो सकता है इसको हम क्लीन कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए हमको क्या करना है, ए बी और सी का वैल्यू निकल गया है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इसमें हम इंटीग्रेट का साइन लगा देंगे, यानी कि इसके जो इस इसी इसी को हम इस तरह लिखे हैं और ए और बी सी का हमको वैल्यू पता हो गया है, तो हम इसी को हम यहाँ पर रख देंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इंटीग्रेट का साइन ले आएंगे, उसके बाद इसके जगह पर इसको रखेंगे a डिवाइडेड x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड स्क्वायर प्लस 1 dx, a और b का वैल्यू 1 बाई 2 है, बाकी c का वैल्यू माइनस 1 बाई 2,
अगर सब में हम इंटीग्रेट करेंगे, सब में इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो 1/2 बाहर आएगा, फिर इसमें क्या होगा 1/(x-1) फिर dx, फिर यहाँ पर देख लीजिए अगर x²+1 में bx में इतना सा भाग देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो इसको देख ही लीजिए b का वैल्यू कितना है 1/2 तो x²+1 dx बचा क्या सी, सी वैल्यू क्या रहा है -1/2, इसको लिख लीजिए इस तरह से dx। अब सभी का वो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, मार्कर भी सही से नहीं चलने लगता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अब 1/x है, हम इसे पिछले वाले वीडियो में बताए थे इंटीग्रेशन साइन करेंगे मतलब इंटीग्रेट 1/x dx है, क्या होता है इसका log x, इसके अंदर में कुछ भी रहे सब x के यहाँ पर आ जाता है, ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे कहने का मतलब अगर 1/x के अंदर यहाँ पर x है तो x+ कुछ भी आ रहा है सुन एन तक, तो डी एक्स स्थिति में है तो लॉग क्या आ जाएगा x+ एन तक होगा, ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह लॉग के यहाँ पर देखिए 1/2 है तो 1/x क्या हो जाएगा लॉग x-1। उसके बाद देखिए अरे यहाँ पर क्या है x²+1 है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में इधर कम करेगा, क्या पता अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, ऊपर में क्या है x है तो हमें क्या करना है यहाँ पर 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड भी करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 × 2 और फिर यहाँ पर क्या करेंगे सॉरी ऐसे कर लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2x करेंगे फिर x²+1 तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसमें क्योंकि 2 कट जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला है कि अगर इंटीग्रेशन 1/(1+x²dx) है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan(x+c), तो यहाँ पर वही लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 1/2 tan(x) प्लस में, अभी प्लस में c नहीं करना है जब तक इसको नहीं तोड़ लेंगे, तो 1/2 यहाँ प्लस में सी कर ही दीजिए तो 1/2 x-1 ठीक है +1/4 क्या होगा log, यहाँ पर इसका देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आएगा, बाकी जब इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद ऊपर वाला आ जाता है इसमें हमको log ला के लिख लेते हैं इसको टोटल को x²+1 ठीक, फिर -1/2 tan(x+c) मेरा आंसर ये है, इसको नोट कर लीजिए। इसको क्लीन कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, इसमें क्या करेंगे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं सिंपली, तो x², उसके बाद 3x को हम लिख सकते हैं सर 2x+x+2, नीचे में क्या इसको लिख लेते हैं x²+1² 3x+1 dx है, फिर से इसको देखिए हम किस तरह लिखते हैं x²+x+2x+2 फिर नीचे में इसको लिख लेते हैं x²+1² x+1 dx, फिर से इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर x को मन ले सकते हैं हम क्योंकि यहाँ पर 2x है यहाँ पर 1x है तो 1x को मन लेंगे क्या बचेगा x+1, फिर यहाँ पर हम 2 को मन लेंगे यहाँ पर क्या बचेगा x+1 ठीक है, फिर यहाँ पर x²+1 यहाँ पर x² दे दीजिए क्योंकि यहाँ पर क्यूब है क्यूब यहाँ पर क्यूब सॉरी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब है तो देख लीजिए यहाँ पर x क्या होगा यहाँ से x यहाँ पर x² हो जाएगा फिर +1 फिर यहाँ पर क्या होल स्क्वायर x+1 इस तरह से है। और देखिए आप यहाँ पर हम क्या करते हैं इससे इसे भी भाग देते हैं और इससे इसे भी भाग देते हैं ठीक, तो इससे हम इसको डिवाइड करते हैं
तो इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ एक ठो, और यहाँ पर कितना, दो ठो है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक ठो कट जाएगा, यहाँ पर एक ही बचेगा, एक से इसको कट जाएगा, तो एक्स डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर डी एक्स लगाइए, यहाँ पर आइए देखिए, अगर इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x प्लस वन कटेगा, बचा के टू डिवाइडेड इतना बचेगा, तो हम टू क्या बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। हमको यहाँ देखिए दो तरह के इंटीग्रेशन निकला हुआ है, इससे पिछले वाले वीडियो हम इस तरह का आपको इंटीग्रेशन बताए हैं, अभी तो जस्ट बताए हैं, ठीक है, आप उसको निकालिए, ठीक, बाकी बात उसको निकाल करके इसको जो बचा है हम इसको खुद यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है, जो निकला हुआ है उसको यहाँ पर रख लीजिएगा, नहीं निकला हुआ उसको हम निकाल ही देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसको इसका पहले इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्या है, एक्स डेड एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे पहले वो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन है, ठीक है, इसको पहले लिखिए x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह से, ठीक है, अच्छा रहेगा, ए डिवाइडेड एक्स, आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह से। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a और b का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उस तरह से, तो पूर्ण एलसीएम लीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू, सिर्फ दो ही टर्म्स है इसीलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x प्लस वन डिवाइडेड x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह से है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ऊपर वाला को लिख लेते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स है। हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ, ये जीरो होगा और यहाँ पर माइनस वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, तो वन प्लस वन कितना होगा, टू, टू इक्वल टू माइनस वन, इक्वल टू माइनस वन बाई टू, फिर हम पुट क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो, अरे देखिए यहाँ पर हम जीरो पुट करते हैं, जीरो हो जाएगा, ठीक, बाकी बाद ये भी जीरो होगा और यहाँ पर ये जीरो होगा, तो यहाँ प्लस वन रहेगा, तो प्लस में सी, इसको पहले लिख लेते हैं क्या आएगा, ए, उसके बाद प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू माइनस सी हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, माइनस वन बाय टू, तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस वन बाय टू, और माइनस से ये माइनस माइनस से क्या करता है, सी वैल्यू क्या आएगा, वन बाई टू, मेरा ए का वैल्यू यहाँ से और सी का वैल्यू निकल गया, ठीक है, अब क्या बचा है बी का, हमेशा करते हैं एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, वन सभी जगह पुट कर देते हैं, एक्स का जो वैल्यू है पुट एक्स इक्वल टू वन, देखिए वन प्लस वन कितना हो गया, वन का स्क्वायर वन, तो वन प्लस वन कितना होगा टू, तो टू ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या है, वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू इक्वल टू वन, क्योंकि एक्स के वन रखेंगे तो वन प्लस वन टू ही होगा, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मेरा ए का वैल्यू वन माइनस वन बाई टू आया है और सी का वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो ए का वैल्यू टू इन टू वन बाई टू, ए वैल्यू आया है अब माइनस में, ठीक है, प्लस सी की वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, टू भी प्लस टू सी जो होगा, तो टू को यहाँ पर रखिए और सी वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो वन बाई टू इक्वल टू वहाँ पर वन बाई वन रखिए, देखिए ये टू से टू कटेगा और ये टू से टू, माइनस माइनस वन और प्लस वन कटेगा, बजाय यहाँ टू बी इक्वल टू वन, तो बी इक्वल टू क्या आएगा, हाफ, ठीक है, उसके बाद तो मेरा ए का और बी का
और सी का वैल्यू आ गया है, वो इस तरह देखिए हम यहाँ पर उसको रखेंगे और मेन इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, पहले आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए, हम इस सारा वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है, माइनस वन बाय टू, और बी बराबर वन बाय टू, और सी बराबर वन बाय टू। इसको नोट कर लीजिए इतना को, और इतना रहने दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए, हम जो ए बी और सी वैल्यू रखकर निकाले हैं यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर रखते हैं और सभी में इंटीग्रेशन लगा के हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डी एक्स लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में क्या करेंगे, इंटीग्रेट लगाएंगे। तो अगर इसमें भी इंटीग्रेट है, समय इंटीग्रेट आ जाएगा इस तरह से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर लगाते हैं ऐसे करके। एक वैल्यू कितना, माइनस वन बाय टू, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए पहले, एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस सी डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर डी एक्स, सभी जगह वैल्यू रखिए और सब में इंटीग्रेट लगे और डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, तो एक मेरा वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू, तो इसको बाहर निकालिए इस तरह से एक्स प्लस वन। ठीक है, और डी एक्स, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन से अगर बी एक्स में भाग देंगे, ये तो वन बाई टू है, पहले वन बाई टू को बाहर कीजिए, और एक्स डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें डी एक्स लगाइए, और सी का वैल्यू क्या है, वन बाई टू, इसको भी ऐसे कीजिए, और वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। और सर को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से देख लीजिए इसे क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स, एक्स के अंदर प्लस में कुछ भी रहे माइनस में सब क्या करना, लॉग में लिखना है, तो माइनस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा, टू एक्स आएगा, बाकी इसका जीरो, यहाँ पर एक्स है, अगर हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, हम टू से मल्टीप्लाई करें, टू से क्या करेंगे, दोनों करेंगे बने के हाफ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, यहाँ सब क्या करते हैं, दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दो से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो दोनों क्या आ जाएगा चार, और ये फिर क्या होगा, लॉग लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर यहाँ देखिए इसका क्या होता है, वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन का टेन वर्स एक्स, तो वन डिवाइडेड टू टेन वर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका आ गया, तो इसके जगह हमको इसको लिखना है, इस बात को ध्यान देखिएगा। अब इसका हम निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको हम यहाँ से क्लीन कर दे रहे हैं, इसको आप जो है इसे आई करके, इसको आई वन मान लीजिए प्लस इसको आई टू। ठीक है, इतना कर लीजिए, आई वन हम निकाल लें यहाँ से, अब बचा क्या आई टू, तो आई टू बराबर देख लीजिए, ई टू को बाहर ही रहने दीजिए, वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर क्या है स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर हम एक्स की जगह हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डी एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए एक्स के टेन थीटा पुट कीजिए आप यहाँ पर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर डी एक्स है, तो डी एक्स जब को ये लिखना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा हुआ क्या, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये कर जाएगा प्लस में होगा, सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ, तो ये सेक स्क्वायर थीटा होगा, बाकी बात ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा मेरा, तो इसको लिखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए,
और देखिए यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर क्या स्क्वायर है, इसका हमको स्क्वायर करना है, और इसका भी ये थीटा है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं, इतना ही क्लीन करेंगे, ठीक है। इधर वाला लिख लिया है, वहाँ क्या हमको आई का वैल्यू निकल, आई वन का वैल्यू मेरा निकल चुका है, ठीक है। आई टू का सिर्फ वैल्यू निकालना है, बस इतना सा लिखिए, बस आई वन आई टू का हम वैल्यू निकाल के रख देंगे, बस ये मेरा एंट्री केस हो जाएगा। हम इस आंसर को नहीं मिटाएंगे अभी, देखिए यहाँ तक हम आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, इस सेक स्क्वायर थीटा से यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का जगह बचेगा 1 सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और फिर ऊपर में भी एक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर है, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होल स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, और ऊपर में भी एक सेक स्क्वायर थीटा है, तो इससे क्या होगा, कट जाएगा, और 1/sec स्क्वायर थीटा इसको अपोजिट हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा होगा क्या, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। और मेरा फार्मूला क्या पता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 cos 2θ / 2 d थीटा, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, इसको इसमें डिवाइड करते हैं, 1/2 g θ + cos 2θ d थीटा, इस तरह से देखिए 1/2 आएगा ये, और यहाँ पर क्या होगा, थीटा प्लस, अब यहाँ पर देखिए cos थीटा cos 2 थीटा है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा, और 2 से क्या मल्टीप्लाई है, इसे क्या करना है, 2 से डिवाइड भी करना है, प्लस में सी लगाना है, और थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ये थीटा अगर x = tan θ है, अगर थीटा से ये tan इधर आएगा तो टाइ इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ tan इनवर्स x, उसके बाद फिर प्लस में हाफ, और देखिए साइन टू थीटा है तो साइन टू थीटा को हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं 2 sin θ इंटू कोस थीटा, ठीक है, प्लस सी, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, 1/2 tan inverse x, प्लस देखिए हमको सबको x के टर्म में आंसर चाहिए, ठीक है, तो x = tan θ है, तो हम इन दोनों क्या करते हैं, tan के रूप में लेने की कोशिश करते हैं, तो sin θ और cos थीटा है, इसको हम क्या करें, इसमें हम क्या करते हैं, cos से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और cos से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो sin θ / cos θ, और फिर cos से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख लीजिए पहले sin θ * cos θ, इससे हम क्या करेंगे, हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे, और फिर cos थीटा से हमको मल्टीप्लाई भी करना है, देखिए ये इससे करेंगे क्या होगा, 1/2 tan inverse x होगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, tan θ, अब बचाएगा ये, तो cos स्क्वायर थीटा होगा ये, प्लस में सी, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, देखिए इतना आया है, अब इसको हम नीचे करेंगे क्या होगा, 1/2, इसको नीचे करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा होगा, इसको लिख लीजिए 1/2 tan inverse x, प्लस में क्या है, देखिए tan θ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, तो tan θ वैल्यू क्या, मेरा x है, तो इसको हम यहाँ पर x लिखते हैं, और x मल्टीप्लाई 1/sec² होगा ये थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/sec² θ था, इसको हम क्या लिखे थे, cos² θ, ठीक है, तो इसी तरह cos² θ है, तो इसको 1/sec² θ लिखे हैं, और फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस में सी, और फिर से इसको क्या करना है, 1/2 tan inverse x, इनवर्स है यहाँ पर, प्लस x, इसको मैं लिख सकते हैं 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा प्लस में सी, फिर इसको देखिए 1/2 टेन वर्स एक्स प्लस एक्स वाई, देखिए 1 प्लस टेन की जगह क्या है, टेन थीटा की जगह एक्स है, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर होगा क्या, प्लस में सी। अब देखिए ये मेरा आई टू का वैल्यू निकला है, हमें इक्वेशन एक लिखे थे आई बराबर आई वन प्लस आई टू, ठीक है। अब दोनों जगह आप क्या कीजिए, आई टू हम भी निकाल चुके हैं और आई वन भी निकाले, यहाँ पर देख लीजिए आंसर मेरा ये है, यहाँ पर ये आई वन निकला हुआ है एक टू यहाँ पर और ये आई टू यहाँ पर निकला हुआ है, दोनों को ऐड कर दीजिए बस, आई वन ये आई वन वाला आंसर जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, फिर प्लस करके आई टू वाला आंसर यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सबको सोल्यूशन कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो हम आपको सर इतना सारा क्वेश्चन बताएं, ठीक है, आप जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको क्लीन कर दे रहे हैं हम। जितना सारा क्वेश्चन बताए हैं उसको रिवाइज कीजिए, और हम ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं बताएं जिससे आपसे ना बने, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग जाके बनाइए, बस एक टाइप्स और बच गया है, और उसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों का क्या होता है, डिग्री बराबर ही होता है, ठीक है। तो वो हम बस एक टॉपिक उसमें बचा है वो हम बताएंगे, तो आप लोग अभी इसको बनाइए, ठीक है, और बुक से सवाल निकाल निकाल के बनाइए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।